हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अवेयर होंगे कि RRB JEE और SSC JEE, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी AE JEE की वैकेंसीज आती है और उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपको टेक्निकल नॉलेज और जो बाकी सिलेबस होता है वो सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ऐसी एक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशंस की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें टोटल 419 वैकेंसीज है और असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन में टोटल 9 वैकेंसीज है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें 428 वैकेंसीज अवेलेबल है। गाइज, ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी आ चुका है, आप में से कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन उस टाइम पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कैंसिल हो गया था। अब कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि सर, ये जो एडवर्टाइजमेंट पहले वाला कैंसिल हो गया था तो हमने अप्लाई कर रखा था, हमें दोबारा अप्लाई करना है क्या? डेफिनेटली आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक अप्लाई भी नहीं किए होंगे, तो उनको भी अप्लाई करना होगा। अब कई बच्चों ने को लग रहा है, सर हमने वहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करी थी, यहाँ पे भी पे करनी पड़ेगी क्या? तो आपको जो पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस थी वो रिमबर्स हो जाएगी आपके अकाउंट में और आप डेफिनेटली इसमें वापस इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको वापस एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसमें पे स्केल के बारे में बात करें गाइस, तो ऑलमोस्ट 84,407 जो है विदाउट ऑफिस अकोमोडेशन आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या तो BTEC या BE डिग्री है तो फील कर सकते हो। टेली कम्युनिकेशन में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, तो आप इसको फील कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 38 ईयर रखी है ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसके हिसाब से एज रिलेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड हो जाएगा। अगर आप जैसे एज रिलेक्शन और कैटेगरी के कौन से आपके सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्या डेट होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने कुछ अपनी PDF में पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप एनी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी गाइज, इन्होंने यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन भी दे रखा है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट मोड में होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, बाकी जितने भी डिटेल्स है वो सब भी मेंशन है। अगर हम यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात करें गाइज, तो आपका जो सिलेबस रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का में 50 क्वेश्चंस 110 मार्क्स के, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मराठी होगी। तो इनकेस मराठी नहीं भी आती है तो भी आप बाकी जो आपके पास मार्क्स है उनको अगर आप गेन कर लेंगे, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 150 मार्क्स है, 140 मार्क्स आपके पास बाकी भी बचते हैं, तो अगर आप वो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर मराठी में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाओ तो भी चलेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस, तो बाकी और भी यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे अहमदनगर, अमरावती, ये सारे सेंटर्स है, इसमें से 3 सेंटर चूज करके आप अपनी प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस गाइस 750 रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने रखी है, 700 रुपीज़ रखी है, और अगर आप बिलोंग करते हो यानी स्पेसिफिक कैटेगरी से तो 350। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपके फोटोग्राफ्स के क्या साइज होने चाहिए, कौन सा आइडेंटिटी कार्ड डालने हैं, वो सारी डिटेल्स इन्होंने जो है अपनी PDF में डाल रखी है, तो वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर इसमें आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए उसकी भी डायरेक्शन दे रखी है, तो डेफिनेटली आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसी के साथ गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इस एग्ज़ाम की, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमसे जितना भी सपोर्ट पॉसिबल है आपको शेयर करेंगे। बाकी कई सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत हेल्पफुल डिस्कशन वहाँ पर चलते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।